नमस्कार, जय माता की। मैं श्रवण राजपूत, माँ दुर्गा रे के लामा फेरा हिलिंग चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज नवरात्र का पांचवा दिन है। माँ सकंद माता के रूप से माँ आदिशक्ति पूजी जाती है। माँ सकंद माता एक भगवान कार्तिक जो भगवान शिव के पुत्र हैं उनका अंश है। उनकी एनर्जी से जब राक्षस को मारने के लिए, महिषासुर को मारने के लिए एक एनर्जी जो माँ आदिशक्ति अजन्मा हुई, तो वो एनर्जी ट्रांसफर हुई थी, तो उसी को कार्तिकेय का नाम दूसरा, उसी के नाम से सकंद माता माँ आदिशक्ति का नाम जाना जाता है। तो आज के दिन जो साधक होते हैं, जो पूजा करने वाले थे, अगर वो ध्यान में बैठे तो अपना ध्यान थ्रोट चक्रा पे लेके जाए। उससे आपका एक तो थ्रोट चक्र एक्टिव हो जाएगा और एक आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी, और आप जो कन्वर्सेशन नेक्स्ट पर्सन के साथ करते हैं और नेक्स्ट पर्सन आपकी बातें समझने लगेगा। तो ये स्पेशली थ्रोट चक्रा से रिलेटेड होती है। तो सुख शांति प्रोस्पेरिटी प्रदान करने वाली देवी है, आराम से पूजा कीजिए। तो आज की जो आपका आज के दिन की जो कथा है पांचवें दिन की, जब माँ आदिशक्ति ने, अंबिका ने, कौशिकी ने धूम्र लोचन का वध कर दिया, जो उसका सुम निशुम का एक सेनापति था छोटा, तब सुम निशुम को पता चला तो इस बारे में कि माँ आदिशक्ति ने धूम्र लोचन का वध कर दिया और उसके शेर ने सारी सेना का विनाश कर दिया। तो वो गुस्से में उन्होंने चंड मुंड को माँ आदिशक्ति को मारने के लिए भेजा। उसको बोला कि जाओ, उसको जो भी वो स्त्री है जो घमंड में चूर, उसको मार जाके उसको युद्ध में हराओ, अगर ना हारे तो जान से मारो, जान से मार के भी उसको यहाँ हमारे पास बांध के लेके आओ। तो चंडमुंड उनकी आज्ञा लेकर निशुम की तो माँ आदिशक्ति पे आक्रमण के लिए चले गए। वहां जाके उन्होंने माँ आदिशक्ति से लड़ाई युद्ध करना शुरू किया। बहुत देर तक युद्ध किया पूरी सेना ने मिलके और चंडमुंड ने मिलके युद्ध किया। तो जब चंडमुंड वहां पे युद्ध कर रहे थे तो माँ आदिशक्ति के शरीर से माँ काली उत्पन्न हुई। पर माँ काली ने चंड और मुंड का संहार किया युद्ध में, उनको गति प्रदान की और उनके सर को काट के माँ आदिशक्ति अंबाजी के पास ले गई, जो उसी का रूप थी, और उनसे बोला कि चंड और मुंड को मैंने इस युद्ध में उनकी आहुति दे दी है, बाकी जो बचे हैं उनकी आहुति उनका वध आप कीजिए। तो चंड मुंड मारने की वजह से माँ काली का नाम चामुंडा भी पड़ा है। जब भी कोई बोलता ओम श्री चामुंडाय नमः, तो चामुंडा भी माँ काली का नाम ही है। तो चंडमुंड का वध करने के बाद जब सुम निशुम राक्षस को पता चला कि चंडमुंड भी युद्ध में मारे गए, तो उन्होंने रक्त बीज राक्षस को युद्ध के लिए भेजा, साथ में खुद भी आए। तो रक्त बीज की एक वरदान था कि जितना भी ब्लड जो खून है उसके शरीर से बूंद भी जमीन पर पड़ेगी उतने ही उसी प्रकार से बलवान शक्तिशाली राक्षस पैदा होते रहेंगे सेम उतनी एनर्जी के साथ। तो युद्ध में लड़ने लगा तो उन्हें बहुत सी जो गण थे माँ आदिशक्ति के उनके साथ युद्ध किया, माँ आदिशक्तियों के साथ युद्ध किया। सुम और निशुम भी उसी मैदान में युद्ध कर रहे थे, तो माँ आदिशक्ति ने अपने अलग अलग रूप उस युद्ध के मैदान में धारण किए। माँ वाराही, माँ सकंद माता, माँ कात्यायनी, माँ गौरी, सिद्धिदात्री, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, सकंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, सारी माँ बगुलामुखी, माँ भैरवी, शिवदूती, तो और भी 1008 नाम हैं। तो अलग अलग रूपों में माँ ने वहां पे अपना रूप जो था अपने अंदर से निकाले और सारे के सारे रूप माँ शक्तियों के मिलके युद्ध करने लगे। तो रक्त बीज पे जब भी कोई माँ शक्ति प्रहार करती तो उसके शरीर से खून की धारा बहती और वो जमीन पे गिरती। उसकी वजह से धरती पे बहुत से उसी के समान शक्तिशाली शूरवीर राक्षस पैदा होने लगे। फिर दूसरी माँ आदिशक्ति उस पर प्रहार करती मारने के लिए, तो उतनी ही खून की जो धारा था, खून का जो प्रवाह था, उसका गति से उसके शरीर से निकल के नीचे टपकता,
तो उतने ही उसी के समान राक्षस बार बार पैदा होते गए। उससे क्या होगा, बहुत युद्ध के मैदान में रक्त बीज जैसे हजारों और लाखों राक्षस पैदा हो गए। मैं छोटा छोटा करके सुना रहा हूं, बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है। तो जब देवताओं ने और शिव गणों ने और जितने भी पृथ्वीवासियों ने देखा कि धरती बिल्कुल राक्षसों से रक्त बीज से गिर गई है, तो उनको बड़ा एक भय उत्पन्न हुआ कि इनका विनाश कैसे करेंगे। तो मां आदि शक्ति ने मां काली को बोला, हे काली के आप अपना मुख बड़ा करो और इस युद्ध के मैदान में घूमो और अपना खप्पर हाथ में लो। जब भी हम रक्त बीज के ऊपर प्रहार करें तो इसकी रक्त की एक भी बूंद धरती पर मत गिरने देना। जब इसकी बूंद धरती पर नहीं गिरेगी तो इसका जो खून है इसके शरीर से बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इसका वध हो जाएगा। तो तब महाकाली ने अपना बड़ा आकार किया, खप्पर को बड़ा किया, मुंह को बड़ा किया। मां आदि शक्ति सभी ने मिलकर उस पर प्रहार किया रक्त बीज पे, तो उसका खून जो था गिरना शुरू हुआ। तो मां आदि शक्ति मां काली जो भद्रकाली है उसने सारा का सारा रक्त अपने खप्पर में लेके अपने मुंह में पी लिया। जितने राक्षस हुए तो चबाती गई उस एनर्जी को। तो आहिस्ता आहिस्ता जितना भी ब्लड था वो तो सारा मां भद्रकाली ने अपने अंदर खप्पर के जरिए अपने अंदर पी लिया। तो जितने भी राक्षस थे जो उत्पन्न हो रहे थे मां आदि शक्ति के मुंह में जाके और सारे के सारे राक्षस खत्म होते गए, जिसके कारण रक्त बीज का सारा खून खत्म हो गया और खून से रहित होकर रक्त बीज का वध हो गया और परलोक सिधार गया। इस प्रकार से मां आदि शक्ति ने इस पांचवें दिन चंड मुंड का संहार किया और रक्त बीज राक्षस का संहार किया और इस संसार को सभी देवताओं को सुख समृद्धि शांति का आशीर्वाद दिया। तो छोटी सी कथा है, कोशिश कर रहा हूँ छोटे छोटे कहने की, लंबी लंबी है वैसे। तो आज की कथा चंडमुंड संहार और रक्त बीज संहार की थी। कल नई कथा छठे दिन आपको नई कथा कोशिश करेंगे बताने की। वैसे सभी जानते हैं फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, इससे क्या कि मेरे व्रत पूरे हो रहे हैं, मैं अपना व्रत कर रहा हूँ। तो अब एक बार यहाँ कथा बोल देता हूँ, एक बार माँ दुर्गा के सामने बैठ के बोल देता हूँ, डबल डबल पुण्य मिल जाता मेरे को आपकी वजह से। तो आज के लिए इतना है। आज माँ शक्ति का ये रूप माँ स्कंद माता की पूजा है। आप आराम से अपने जहाँ भी हो पूजा कीजिए। माँ दी शक्ति माँ स्कंद माता आपको हमेशा ब्लेस करेगी, यही हम प्रार्थना करते हैं। बोलो शेरावाली माता की जय, जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। जय माँ स्कंद माता, जय माता दी, जय माँ काली, जय भद्रकाली, ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि, राधे राधे। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान माँ आदि शक्ति के सभी रूप आपको ब्लेसिंग दे, प्रोटेक्शन दे, हेल्थ दे, प्रोस्पेक्टिव दे, सब कुछ दे जो आपकी ज़िंदगी के लिए बेस्ट हो। जय माता दी, जय माँ आदि शक्ति, जय माँ काली, नमस्ते।